है डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर के टॉपिक को, जिसको हम रियल इनकम इंडेक्स भी कहते हैं। तो जब क्वेश्चन में हमें डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर होता है कि आपके जो बाज़ार के भाव बढ़ रहे हैं और आपकी इनकम भी बढ़ रही है, तो आपको इनकम को हम कंपेयर करेंगे बाज़ार के भाव से, जो महंगाई बढ़ रही है उससे हम उसको कंपेयर करके देखेंगे कि एक्चुअली में हमारी सैलरी में वाकई में कितनी वृद्धि हमारी हो रही है, या ऐसा तो नहीं है कि इनकम की वृद्धि की तुलना में हमारी महंगाई या कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हों तो एक्चुअली में हमारी सैलरी बजाय बढ़ने के लिए कम हो रही हो। तो ये चेक करने के लिए कि महंगाई की तुलना में हमारी जो सैलरी है, जो रियल इनकम है, वो रियल इनकम कितनी निकल रही है, वो बढ़ रही है, कम हो रही है, किस तरीके से, तो वो हम देखेंगे डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर में। तो डिफ्लेशन इंडेक्स नंबर में सबसे पहले हम निकालते हैं रियल इनकम, वास्तव में कितनी इनकम आप एक्चुअल में अर्न कर रहे हो। तो हम निकालेंगे, इसमें फार्मूला हो जाएगा हमारा मनी इनकम या वेजेस, यानी कितना पैसा हमारे कैश के रूप में हमारे पास आ रहा है, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, उस साल का प्राइस इंडेक्स कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे निकल जाएगी हमारी रियल इनकम, और रियल इनकम इंडेक्स का फॉर्मूला हमारा वही हो जाएगा, करंट ईयर रियल इनकम डिवाइडेड बाय बेस ईयर रियल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से हम निकालेंगे रियल इनकम इंडेक्स। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको मनी इनकम की जगह मनी इनकम इंडेक्स दे रखा हो सीधे, तो यदि मनी इनकम इंडेक्स दे रखा है तो फिर इन दो फार्मूला की जगह हम सिर्फ एक ही फार्मूला काम में लेंगे। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा मनी इनकम इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमें मनी इनकम इंडेक्स दे रखा है तो हमें एक ही फार्मूला काम में लेना है। यदि हमें मनी इनकम दे रखी है तो पहले हम रियल इनकम निकालेंगे, उसके बाद रियल इनकम इंडेक्स निकालेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में आपको इनकम दे रखी है कि 2010 से 2018 तक इनकम है, तो यदि हम देखें तो लगातार बढ़ रही है ये 360, 420, 500, 550, 600, 660, ऐसे लास्ट 820 तक आपकी इनकम बढ़ा के दिखाई हुई है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे प्राइस इंडेक्स से और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में रियल इनकम हमारी बढ़ रही है, कम हो रही है, किस तरीके की है। तो सबसे पहले निकालेंगे इसमें हम रियल इनकम। रियल इनकम का फार्मूला है हमारा मनी इनकम, जो यहाँ पर 360 है, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मनी इनकम यहाँ पर आ जाएगी आपकी 360। इसमें हम देखेंगे तो मनी इनकम है हमारी 420, प्राइस इंडेक्स है 104 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारा आ जाएगा 404। इसके बाद हमारी मनी इनकम है 500, प्राइस इंडेक्स है 115 इंटू 100, तो इनकम आ जाएगी 435। देन 550 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये आ जाएगा हमारा 344। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए वैसे देखा जाए तो इनकम 500 से बढ़ के 550 हो रही है, पर रियल इनकम देखें तो 435 से कम होकर सिर्फ 344 ही रह गई है। ऐसे हम यहाँ निकाल लेंगे 600 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब रियल इनकम हमारी केवल 240 रह गई है, यानी कम हो रही है हमारी इनकम यहाँ पर। 660 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, तो यहाँ पे इनकम और कम होकर सिर्फ 220 रह गई है। और एक्चुअली देखा जाए तो मनी इनकम हमारी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि रियल इनकम यहाँ पे हमारी लगातार गिर रही है, क्योंकि बाज़ार भाव तेज़ी से बढ़ रहे हैं आपके। तो ये चेक करने के लिए हम निकालते हैं रियल इनकम इंडेक्स। तो ये हमारा निकल जाएगा 200, उसके बाद 780 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100, ये निकल जाएगा 195। 820 डिवाइडेड बाय 425 मल्टीप्लाई बाय 100, ये निकल जाएगा 193। अब ये निकल जाएगी हमारी रियल इनकम। अब हम निकालेंगे रियल इनकम इंडेक्स। फार्मूला हमारा वही हो जाएगा, करंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन में यदि वो कहता है कि किसी ईयर को बेस मानना है, जैसे यहाँ पे 2010 को बेस मानना है, तो ये हमारा हो जाएगा P0। तो हम निकालेंगे 360 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100, तो ये निकल जाएगा हमारा 100। यहाँ पे 404 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100, तो सेकंड इंडेक्स हमारा आ जाएगा 112.2। देन 435 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100, 120.8। अब यहाँ तक तो हमारा इंडेक्स बढ़ रहा है। अब देखेंगे हम 344 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100, तो यहाँ पे जो रियल इनकम इंडेक्स है वो गिर के सिर्फ 95.6 रह गया है, यानी बेस ईयर से भी हमारा कम हो गया इंडेक्स यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर आपका हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100, ये सिर्फ 66.7 रह गया है। देन 220 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100, ये सिर्फ 61.1 रह गया है। ऐसे ही देन 200 डिवाइड बाय 360 इंटू 100, 55.6,
195 डिवाइडेड बाय 360 इनटू 100 54.2, 193 डिवाइडेड बाय 360 इनटू 100 53.2। तो हम एक्चुअली देखें तो 2010 में जब इनकम हमारी 100 रुपये थी, तो एक्चुअली इनकम हमारे हाथ में जो 2018 में आ रही है उसकी आधी इनकम ही रह गई है। हमारी इनकम सिर्फ जो परचेजिंग पावर है हमारी सिर्फ 53.2 यानी जस्ट हाफ रह गई है। तो एक्चुअली इनकम बढ़ती हुई दिख रही है पर रियल परचेज पावर जो हमारी है वो इसमें कम हो रही है। तो इस तरह से निकालते हैं हम रियल इनकम इंडेक्स।